पर्यटन उद्योग खेतर नू हुलारा दे रही पंजाब सरकार। विद्यार्थियों नू ऑनलाइन सिक्ख्या नाल जोड़दे होए 11वीं ते 12वीं दे विद्यार्थियों नू दित्ते 175,000 स्मार्टफोन। 4 वर्यां तों विद्यार्थियों दी पढ़ाई दा पद्धर उच्चा चुक रही पंजाब सरकार। पंजाब सरकार दे 4 साल पूरे होन ते आज मैं आप सब जी नू जी आया नू आखती हां। ए बहुत ही खास पल ने जदों नरोए पंजाब दी अगवाई करदियां मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 4 साल मुकम्मल कर ले हन। पंजाब सरकार वल्लों बीते 4 सालां दौरान सूबे विच सर्वपक्षी विकास दे नवे अध्याय लिखे गए हन। ओह भावें किसानां दी कर्ज़ मुआफ़ी होवे, नौजवानां नी रुजगार होवे, नशियां विरुद्ध कार्रवाई होवे, सूबे विच निवेश लई नरोआ माहौल पैदा करन दी गल होवे, जां सूबे दे पिंडां ते शहरां दे सर्वपक्षी विकास दी गल होवे। स्मार्ट स्कूल, म्यारी सिक्ख्या, बेहतर सेहत सहूलतां, कोविड दे समें दौरान चुके कारगर कदम, जां पंजाब सरकार वल्लों गरीबां अते औरतां नूं दित्तियां विशेष सहूलतां होण। मैं अजिहे नरोए कदम चुकण लई मुख्यमंत्री पंजाब जी अते उहनां दी समुची कैबिनेट नूं वधाई दिंदी हां। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी, सीएम साहब जी दे सियासी सकत्तर कैप्टन संदीप संधू जी, मीडिया सलाहकार श्री रवीन ठुकराल जी अते यूथ कांग्रेस प्रधान श्री बिरेंद्र सिंह ढिल्लों जी अज साडे सन्मुख हन। मैं उहनां नूं भी जी आयां नूं आखती हाँ। मैं साडे नाल जुड़े मीडिया दे साथियों का भी स्वागत करती हाँ। सूबा सरकार दे वक्खो वक्ख प्रोग्राम अते फैसले मीडिया राही ही जन जन तक पहुँचते हैं। हुण मैं मीडिया एडवाइजर श्री रवीन ठुकराल जी नूं बेनती करती कि ओह कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराउण दी खेचल करन। धन्यवाद। मैं सीएम साहब नूं बेनती करती हाँ कि वह अपने दो शब्द थोड़े नाल सांझे करन। सीएम साहब, दोस्तों, पहला तो धन्यवादी हैं थोड़ा समय कढ़ के आज उरे आए साडे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच। ये 4 साल हो गए ने साडे, और ये 4 साल दा जिहड़ा कुछ प्राप्तियां कीतियां ने वो मैं थोड़े कोले किताब पहुँच गई है थोड़े सैशन्स दे विच। कली चीज़ इहदे विच किन्नी असी प्राप्ति की, कई सिचुएशन हुंदा सी और की हुण कित्थे पहुँचे हुए सी। ये मैं थोनू एक गल दसना दैट ये बावजूद कि कोविड होया होर तकरीबन एक साल ही साडा उस काम च ही पिया रहा, एज़ कारण इंडस्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी पंजाब दी इकोनमी हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप। और ये भी मैं तुम दसना चाहना कि उत्थे जेड़े साडे डिवेलपमेंट ऑफ द स्टेट, वेदर इट इज़ रूरल डिवेलपमेंट या अर्बन डिवेलपमेंट, उहदे विच असीं कोई घाटियां दित्ती गल अगे जा रही है। लिकर फॉर इंस्टेंस, लिकर तकरीबन असीं ऐज की रिकॉर्ड टर्नआउट साडी होएगी, जदों अकाली दल गया उदों 4400 करोड़ का रेवन्यू सी, एट की वी होप टारगेट सी साडा 6000, बट वी होप टू गो टू 7200 लीटर्स। तो ये इंप्रूवमेंट उत्थे है। सैंड दे विच असी पहला 35 करोड़ सी अकालिया का, असी एट की 350 करोड़ के करीब द मनी हैज़ बीन रिकवर्ड। सो देर इज़ एवरीवेयर हुण इंप्रूवमेंट होने दे नाल डजन मीन कि असी बच्चे बह जाना है, असी नूं फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं एंड कुछ कदम असी चक्कांगे। लेकिन ये गल्लां करन तो पहला मैं थोनू एक किसानी का जिहड़ा मसला है उहदे बारे करना चाहुंदा। असी टोटली अपोज्ड हैं टू दीज 3 गवर्नमेंट जिहड़े पार्लीमेंट के कानून ने। उद्दी नहीं असी असैम्बली सदी सी, इन्हां नूं रद्द कीता, और रद्द करन तो बाद असी अपने कानून उत्थे लियाए जो असी समझदे हां अपने किसानी वास्ते ठीक से। उहदे विच सानू जदों विधानसभा दे जदों साडी ऑल पार्टी मीटिंग्स होईयां, डिफरेंस ऑफ अकाली दल वॉकआउट कर गया सी, उहदे विच शामिल नहीं होया, आम आदमी शामिल हुई। लेकिन पार्लीमेंट दे विच असैम्बली दे विच
असैम्बली दे विच सारिया ने इस गल नूं सपोर्ट किया और फिर अकाली लीडरशिप लीडरशिप आप लीडरशिप और साड़ी असी रल के जा के गवर्नर साहब नूं वो बिल जो पास होया सी यूनैनिमसली हाउस दे विच वो देख के आए फिर उस तो बाद अकाली दल और आप फिर खेडा खेडन लग गए सियासी विच इज़ अ ग्रेट ट्रैजेडी बिकॉज मैं थोनों दस देना अगर ये कानून लागू हो जाए तो बिल्कुल तबाही आ जानी है किसानी दे विच साडे लोग 75% साडे किसान गरीब ने एंड दे कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन जिस तरीके नाल ये सरकार दिल्ली दे विच आउंदी है एक सिस्टम चलिया साडा 67 तो थोड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है 1967 तो लेकिन आठ सिस्टम उस तो पहला क्यों एक सिस्टम नूं छेड़न दी तुसीं कर रहे हो कित्थे जाणगे किसान जदों रात नूं उन्हां नूं पैसे किसी नूं लोड़ है वो जाके खटखटा सकदा है अपने आढ़तीए दे दुकान दे जाणगे उह दिल्ली किसी कॉपरेट हाउस नूं उत्थे या बॉम्बे दे विच उत्थों लै के आउणगे तो जिहड़ा रिश्ता तुसीं तोड़न दी कर रहे हो दिस इज़ नॉट एन इंप्रूवमेंट इह तां नैगेटिव फैक्टर जा रहा है सो मैनूं इह समझ नहीं आउंदी कि वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस एंड अज देखो किन्ने साल साडे किसान एक अज दी जो जो आंकड़े मेरे कोल आए ने 112 दे करीब साडे इत्थे पूरे हो गए ने इस दे दौरान पंजाब दे नॉट काउंटिंग बाकी स्टेटा दे जिहड़े पूरे होए ने मैं पंजाब दी गल कर रहा 112 साडे पूरे हो गए ने सो इट इज़ अ ग्रेट अनफॉर्चुनेट थिंग जो होया जिथे ताईं होर मसले ने ड्रग्स दे उपर असी ड्रग्स दे उपर बड़ियां प्राप्तियां कीतियां ने उस ओदे विच वी हैव बीन एबल टू ब्रेक द बैकबोन और एक गल मैं स्पष्ट करना चाहुंदा पता नहीं बार बार मैं कहना पता नहीं सुनते क्यों नहीं लोग मैं जदों दमदमा साहब वाल गुटका साहब चक के कीता सी और सौं खादी सी मैं कहा सी मैं अज वायदा करदा कि इस नशियां दा लक तोड़ांगा मैं नहीं कहा सी मैं कि मैं उड़ा दांगा उस नूं हुण तुसीं उहदे नाल किते किते अखबार ये भी जोड़न लग गए कि उन्होंने ये भी वायदा किया सी कि लिकर खत्म होगी ये भी वायदा किया सी फलानी चीज़ खत्म होगी मैं कदे नहीं किया मैं एक वायदा किया सी वह दमदमा साहब गुटका साहब चक के रामपुरे फूल चो बोल रहा सी मैं और मैं कहा सी कि इस नशा का लक मैं तोड़ांगा प्लीज़ बी क्लीयर अपनी स्टेटमेंटा विच नहीं आ जिहड़े होर ने होर उन्होंने कम नहीं उत्थे जाके रौला पालन लग जाते और गलत गल्लां उत्थे करन लग जाते हैं तो ड्रग्स वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन एट द मोमेंट असी इनू होर स्ट्रेंथन कर रहे हैं थोनू पता है कि वी हैव स्टार्टेड एन ऑपरेशन रेड रोज विच इज़ नाउ गोइंग थ्रू और जेड़े जेड़े असी लोगों नू इत्थे इलिसिट फैक्ट्री खन्ना इलिसिट फैक्ट्री शंभू हूज ट्रैजेडी पट्टी बटान जिते अरेस्ट एंड FIRs वगैरह सारिया ने ये पूरा साडा कंप्लीट नहीं होया इन द सेंस के FIRs तो हो गया लेकिन केसिज आर गोइंग ऑन एंड आई होप दैट दिस केसिज विल कम टू कंकलूजन तो जिहड़े बंदिया ने यह गल की है उन्होंने जो भी सज़ा कोर्ट देगी वो दे अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम बड़ा स्लो है साडा उरे देर इज हाउएवर सारे दे नाम आ गए ने ऑल हैव बीन चार्जशीटेड एंड दिस इन ENA सप्लाई चेन अमृतसर इलीगल बॉटलिंग प्लांट राजपुरा एंड होर कि जेड़े जेड़े भी हैं सारे कुछ है मेरे को एंड दिस इशू इज़ गोइंग टू बी कंक्लूडेड ये मेरा प्रोमिस है थोड़े नाल दैट वी विल फिनिश दिस ब्रेक दिस बैकबोन ऑफ दिस बरगाड़ी का मसला बरगाड़ी असी हुण सिरे चढ़ा दिती है लास्ट चलांस आर बीइंग फाइल्ड इन फरीदकोट Everything has been brought under control. Everyone has been charge sheeted. There's nobody who is not charge sheeted. I have the figures here. Investigation of Bargadi. Kotkapura firing case. There's FIR number so-and-so, FIR number so-and-so. On the recommendation of Justice Ranjit Singh Commission, Bambal Clan firing case. Police station Bajakhana, police station, two FIRs there. Cut there. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 14th ਅਕਟੂਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ 4 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਇਲਡ 7 ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਤਾਰ ਬਰਾੜ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
बलजीत सिंह प्रेम एंड सुमेत सिंह सैनी एंड परमजीत सिंह पन्नू स्टे देन लास्ट फाइल लास्ट एंड फाइनल चलान इज नाउ बीन सबमिटेड ऑन टू फरीदकोट वन ऑफ दीज डेज ते कोटकपूरा फायरिंग केस 14 नवंबर दा सारे चलान फाइल हो गए बलजीत सिंह एसपी गुरदीप सिंह एसएचओ एंड चार्जशीट नंबर ऑफ 13 अगस्त वगैरह अनफॉर्चुनेटली ए सीबीआई नू केस चला गया सी इहदे बावजूद कि असी पुछदे रहे अंत विच जाके उन्होंने सानू मोड़िया पर मोड़िया रीसेंटली और वह जिहड़ी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने असी फरवरी दे विच वो केस उन्होंने मिल गया जो सीबीआई तो वापस होया सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन दैट मैटर ऑलसो तो ये बेसिकली गल्लां सी मेरे वल्लों सॉरी हुण दो गल्लां ने विच आई थिंक यू शुड नो फॉर अ फैक्ट बिफोर तुसीं कोई मैनूं सवाल करो एक तो कोविड का मसला कोविड इज़ इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन अगेन कल मेरी कॉन्फ्रेंस हुई सीगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साढ़े सत चीफ मिनिस्टर से असी विद प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने वो कुछ सानू सजेशन भेजन गए नेवरदलैस पंजाब इज़ गोइंग टू टेक एक्शन बिकॉज मेरे अज के फिगर ने जो कल शाम तक 2,039 पीपल हैव गॉट न्यू कोविड एंड 35 साढ़िया मौत हुई परसों हुई सी 34 मौत चौथे हुई सी 40 मौत ये साढ़ा वास्ते बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन दिस आई नो कई पसंद नहीं आना बट दैट इज़ माई ड्यूटी एंड आई विल डू इट नाउ टूडे आई विल अनाउंस वन थिंग एंड द रेस्ट अगले दो दिन वी आर मीटिंग विद आर कोविड टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर तलवार एंड उन्होंने साढ़े वाइस चांसलर ने फरीदकोट से एंड दैन ऑलसो डॉक्टर राजकुमार जो साढ़े कम्यूनिटी मेडिसिन देने फ्रॉम PGI एंड वी विल चॉक आउट अ फुल प्रोग्राम बट टू स्टार्ट विथ आई थिंक टूडे वी विल इन्फोर्स कर्फ्यू फ्रॉम 9 o'clock नॉट 11 o'clock आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट टूडे एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद इन अ डे ऑल्सो आई विल अनाउंस मेक दीज अनाउंसमेंट्स ये सानू करना पौ सानू रिस्ट्रिक्ट करने पैणगे वी विल हैव टू कट डाउन ऑन मूवमेंट आई हैव सीन अ न्यूज़ पेपर रिपोर्ट that the prime minister that the chief minister of Himachal wants me to restrict religious activity which people going to Himachal I do not know what I've only seen a newspaper report mere ko hale unna di chitthi nahi aayi jad aaugi I will talk to them I am not in favor of restricting religious movement this is everyone's right saryan di right hai ki apne dharmik jana ne kisne jana hoye any of our pilgrimage places have the right to go there lekin how we can control it what we can do after the chief minister's letter arrives then I'll say it I'm saying it isliye kyunki tusi main akhbara cha jaya hai so there may be a question on it so I'll say but I'm sure he is as concerned about it as we are and our other states also so main dasunga after we finish this meeting on covid which will be held today or tomorrow curfew is totally punjab let me tell you the situation is going bad no we are not going to do it in all we are going to do it in 7 districts first main tonu dass rahi hai curfew ta lagya hoya hai from 11 o'clock I am bringing it down ludhiana has had 200 can I just take this what have I done with my annex I have got my annex ludhiana de 233 case ne jalandhar de 277 case ne kal de patiale de 203 ne मोहाली दे 222 ने अमृतसर दे 178 गुरदासपुर दा 112 होशियारपुर दे 191 एंड कपूरथला 157 एंड रोपड़ 113 ए ने स्टेट दी डिस्ट्रिक्ट विच आर ओवर 100 बाकी तो घट ने जैसे हुण फर्ज करो मोगा भी है फतेहगढ़ साहब 40 ने कि 33 है कि 20 सो अनलैस दिस राइजेज आई होप पीपल अंडरस्टैंड के मास्क पाना पौ हाथ धोने पैणगे फॉर गॉड सेक तुसी अपन अपने पंजाबियों की जाना बचाई है एंड आई टिल सच टाइम ए जे 7 डिस्ट्रिक्ट ने देयर आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड कर्फ्यू फ्रॉम 9 o'clock एक तो यह है आई विल कम टू जब तुसी सवाल पूछने मैं पूछ लेना जिहड़ी मैं बस दूजी गल करनी सी
वो है कोविड तो अलावा इज नैशनल सिक्योरिटी। तुसी कई बार मैं पूछ रहे हैं अखबारों भी राही भी पूछ रहे हो कि वट इज़ हैपन अबाउट नैशनल सिक्योरिटी, तुसी नैशनल सिक्योरिटी का जिक्र करी जाने हो, एंड वट डू यू मीन बाय दिस? आई मीन नैशनल सिक्योरिटी, आई मीन वैन समबडी ब्रीचेज माई बॉर्डर्स, इट्स ब्रीचिंग द बॉर्डर्स ऑफ माई कंट्री। वी हैव सिंस अक्टूबर जब तो एक किसान आंदोलन चले हैं, देर हैज़ बीन अ परसेप्टेबल इनक्रीज इन द नंबर ऑफ ड्रोनस। हूँ ड्रोन पहला तो होंगे से टनलिंग करके निकलते से, तारा के थले निकलते से, फिर नदिया के पार करते से, हूँ ड्रोन सिस्टम चल पाया। एंड वी हैव हैड अ नंबर ऑफ ड्रोनस विच हैव कम इन टू अस विच वी हैव कॉट। ईच ड्रोन इज कैरिंग 5 पिस्टल्स विथ 2 मैगजीन्स ऑफ 10 राउंड ईच। इट इज़ कैरिंग ग्रेनेड्स, इट इज़ कैरिंग हेरोइन, इट इज़ कैरिंग काउंटरफीट इंडियन मनी टू कॉम्प्रोमाइज साडी इकॉनमी, एंड मोर देन दैट इज वेपन्स। आई डो नॉट नो बट वी हैव रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ वेपन्स सिंस वी हैव रिसीव्ड 1900 वेपन्स विच वी हैव कॉट, 11,000 राउंड्स ऑफ एमिनेशन विच वी हैव कॉट, नंबर ऑफ हैंड ग्रेनेड्स विच वी हैव कॉट। वॉट वी हैव नॉट कॉट इज माई प्रॉब्लम, वो गए कितने ने, and that is what is worrying me, and that is why when I talk of national security, that is what I talk about. Is vele these Khalistani cells which are existing here are dormant, lekin they are being fed with this information, with this weaponry, taaki they can increase their activity. And I promise you one thing, as long as I am here, no Khalistani, no any Pakistani or any type of terrorist activity will go here. I will deal with them so strongly, and if they think away with it, as long as I'm here, nobody's going to get away with it. I can promise you this. I'll break that backbone of that movement. But Pakistan is not going to stop. Pakistan has its own objectives, or the objectives very clearly. They've got us, they've got us engaged. They want us to be engaged in Punjab so that they are free to act in elsewhere. I'm sure government of India and our Indian Army and all are well aware of it. But for me, I have a 600-kilometer long border, right from Jammu right down to Fazilka, and I'm damned if I'm going to let any of these fellows make a mess in my area. So that is one of my state things. And the other thing which I want to say, which I will end with my side, and then you can say what you ask me, what you wish. I want to assure Punjab that I will leave no stone unturned to fulfill every promise that the Congress Party has made to the people of Punjab when we started this government. And I will go back to them early next year to seek their blessings once more. So I will finish everything that I've done, and on this finishing process, let me tell you one thing. We have today completed 85% of our manifesto. This is a record for India. The last time somebody crossed 80 was 81%, which was done by Chandrababu Naidu in when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. After that, we have now completed 85%, and we will complete our promises, and only then I will go to the people. Hundar Sudhi, Pucho. ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाएंगे क्योंकि काफी लोग हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक जन ही सवाल पूछे। सो वी विल स्टार्ट विद आज तक। हाँ जी, नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, नाउ इट इज कैप्टन साहब, जब आपने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करी थी, हमें याद है सेक्टर 42 के स्टेडियम में आपने कहा था कि पैसे की कमी पंजाब में किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, और हम अरेंजमेंट्स करेंगे कि स्टेट रेवेन्यू जनरेट करेगा और उससे किसानों के कर्जे माफी करेंगे, और जो वादा था आपका कर्जे कुड़की माफ, क्या आप समझते हैं कि वो पूरा हो पाया? क्योंकि सबसे अहम आज के है, क्योंकि
किसान कहीं ना कहीं परेशान है और इसी वजह से आज वो कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी फिगर्स आई थिंक आप जानते हो कि वी हैव स्पेंट नियरली 4,700 करोड़ ऑन कर्जा माफी और हमने लिमिट किया इसको अप टू अ सर्टन एरिया दैट इज 7 acres ऑफ लैंड जो उसके छोटे छोटे किसान हैं और उनको हम ये दे। अगर मेरे पास पैसे होते, देखिए जब ये बना था हमारी नोबडी न्यू के कोविड वाज गोइंग टू कम, कोविड ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा ले लिया एंड दैट्स ओनली स्टार्टिंग नाउ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोर मनी नाउ वी रिक्वायर, सो वी हैव गॉन थ्रू दैट नंबर वन। नंबर टू पंजाब रेवेन्यू बिकॉज इंडस्ट्रीज जैसे पे अपने लुधियाना है, देर आर 2,34,000 इंडस्ट्रियल हाउसेज, बाय द टाइम कोविड वी हैड डन अ शट डाउन वी हैड जीरो इंडस्ट्री वर्किंग, 234 वर शट डाउन। मैंने ट्रेनें की सारी लेबर को यूपी भेजा, जो कुछ भेजा टू हेल्प दम आउट, बट एंड रिजल्ट वॉज गेट पंजाब इंडस्ट्री वेंट डाउन, वेन द इंडस्ट्री वेंट डाउन देर वॉज नो मनी एंड सो हैव टू टेक इन टू अकाउंट। सो येस वी हैड सेड वी विल कवर द इंटायर कॉस्ट बट इट इज़ विद इन आर रिसोर्सेज जितने असी दे सकते हैं, तो अभी तक तो हमने किए हैं अप टू 750 पीपल, आई थिंक इट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आई हैव द फिगर्स ऑल्सो देयर समवेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जैसी, सो दैट इज़ इट एट द मोमेंट, फॉर द मोमेंट लेट अस होप दैट द रेवेन्यू इंक्रीजेज, इट इज़ इंक्रीजिंग एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्रीज ऑल्सो पिकिंग अप, लिकर हैज पिक्ड अप, सैंड हैज पिक्ड अप, एवरीथिंग इज पिक्ड अप, एज एंड व्हेन आई गेट मोर मनी आई विल गिव इट टू द फार्मर्स, नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट पीपल वी आर गिविंग इट टू इज द फार्म लेबरर्स, वो अभी रह गए थे पहले उनको देंगे और फिर देन वी विल सी जितनी अवेलेबिलिटी है टू कवर अदर पीपल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी हैव प्रोवाइडेड 1700 करोड़, या हियर इट इज वी हैव गिवन बुक्स ऑल दिस, बट मैं कह देता हूँ कि हमने 4,624 करोड़ दिए हैं एज डेट रिलीफ टू 5,64,000 5,64,000 फार्मर्स को हमने ये डेट रिलीफ किया। एनीथिंग एल्स एबीपी न्यूज, सुन नहीं रहा, well I can tell you that I hope that the experts are wrong, but the figures that the way they're growing it's not a good figure. I have 2000 something today, and then you know what is more disturbing is I've got 283 people on high dependency unit, which is oxygen, and I've got 27% on ventilators, 27 people on ventilators, so my fear is there. One thing I will ask all of Punjabis to do, please, the moment you get some sort of a feeling, body ache, throat little cold, or throat problem, or something sore throat, please go to the doctor. Sada a problem ho rahi hai na Punjabiyan di sadi aadat hai ke jadon tai akela dam nahi rehnda pajonde ni doctor kol ke theek ho jaange, mausam badal gayi ji, phlana ho gaya, timka ho gaya, and end result is we end up in the hospitals too late. Now I have got 283 people today on oxygen, on high dependency unit. Why? Had they come earlier, jadon unhone shuruaat hi hoyi si unhonu koi ehdi jaan di lod hi nahi si, inhone ghar te hi ithe they were given them paracetamol or something and utthe theek ho jana si. To meri unhonu beenti hai ki please, jadon thonu koi gal ithe mehsoos hundi hai ki main theek nahi ajj meri tabeet, go to your doctor, get your covid test. Assi 30,000 test daily kar rahe hain. Go to your center where testing is done
एंड प्लीज डू दिस बिकॉज जैसे तुसी आज मैंने कहा है कि वी विल रीच 3000 आई होप नॉट आई गॉट माई फिंगर्स क्रॉस बट टू प्रिवेंट इट हैपनिंग आई विल टेक एक्शन एंड वी आर मीटिंग विद आर टीम आई थिंक टुमारो और टुडे लेटर दिस इवनिंग एंड आई विल देन वी विल मेक अनाउंसमेंट्स ऑफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स आई एम नॉट गोइंग टू बी ईजी नाउ हियर लुक एट दिस आई हैव गॉट action being taken by the police on various people who are violating this territory. Today I've had 2200 people challan, nobody cares. Every day it's 2000, 1500, 1600, 1700 challan, and nobody cares. So this is somebody here. No, it's not this. One of these things. Anyway. That is the thing that I agree with you 100%. I am very concerned about this, and we will take whatever. Chahe logon ko pasand hove, we will restrict movement, we will restrict gatherings, we will do everything in our powers to ensure that this disease does not spread. It is not restricted to anyone today. I have even requested the Prime Minister that 30% of my cases in Punjab are of children. Under the age of 50. For God's sake, allow us to give them injections. Let us allow the judiciary to get injections so that courts can start functioning. Let us allow bus conductors, let us conduct anybody who has a public dealing, let us allow us to give them. I hope they will permit it. Ajit. Virendra, the reports here. Hello. मैं हरकमलजीत सिंह हाँ जी अजीत तो हरकमलजीत एक थोड़ा जहा पोलिटिकल सवाल पूछना चाहना तो कल नवजोत सिंह सिद्धू मिले सी मेरे ख्याल तुहाडे नाल कई बार वो खाना भी खा गए ने चाह भी पी गए ने पर सानू पत्रकारों नूं ये लग रहा भी कोई उहदा नतीजा नहीं निकल रहा जिहड़ा एक ये चर्चा है कि उन्होंने तुसीं पोलिटिकली बहाल करना है वो बहाली शायद डिले हो रहा उहदे विच जां लेट हो रही उहदा की कारण हैगा person as far as Asi concerned everyone wants Navjot to be part of our team he is very much sada hissa aur jithe tak mera personal gall hai I have known him since the age of 2 and jadon Sar Bhagwan Singh sade patel in fact mere DCC president se jadon main politics aaya aur oh unhone mainu guide kita si meri pehli election ch to mera tha inna de father naal inna di family naal bahut sade ladai ne now he is at the moment has to we had a very cordial meeting unfortunately lunch nahi ho sakya because lunch kuch hor mainu jana paya si but aaye mere naal cha peeti kafi der utthe rahe bade bade pyar naal gallan hoiyan and I am sure sade naal oh thoda time mangde ne let him have his time and then he will come back to us I am sure he will be part of our team amar ujala Yeah, here it is. Here now, I'll guess somebody. This was asking. I think who asked me before, just before. ABC. Now, just for your information, yesterday we had people challan 2,114 for not wearing masks, 137 for spitting, and three people for non-compliance of social distancing. At the moment, social distancing is not that. We haven't announced it. But we will announce it, and we will announce also the number of people that can come into a gathering. Haan ji. Amar Ujala. Sir, ek hor political question hai. Mukhtar Ansari, Congress, UP aur Punjab de vich ek navi khichtan shuru ho gayi. Please neede rakh lo ji. Awaaz. Sir, Mukhtar Ansari nu leke Punjab aur UP. दोनों जी की खिचतान भी है और कांग्रेस से कई तरह के इल्जाम लगने शुरू हुए इस ते की स्थिति बनेगी देखो मैं फर्स्टली दिस इज सब ज्यूडिस मैटर आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट नंबर टू इफ ही हैज कमिटेड एनी क्राइम इन पंजाब ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज इन पंजाब एंड उस तो बाद एक बार कॉन्सिक्वेंसेज कोर्ट्स अपना फैसला कर लैन फिर जितने मर्जी ले जान नोबडी इज लुकिंग आफ्टर एनी बॉडी हेयर एंड दिस इज अ रोंग परसैप्शन जी जा रही है इफ ही हैज कमिटेड अ क्राइम इन पंजाब ही हैज टू पे फॉर दैट क्राइम इन पंजाब ANI हाँ जी
हेलो सर, एज यू मेंशनड अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस, व्हाट रिस्ट्रिक्शंस टू बी फॉलो बाय द पीपल नाउ? द एज वी नो द कोविड केसेस रैपिडली इंक्रीज इन द सम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब सर। मैं रिस्ट्रिक्शन थोड़े अनाउंस किए कर सके, एक कोई चीज़ मैं की है कि वी विल ब्रिंग फॉरवर्ड ऑन इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स दी जड़ा शाम नू असी लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू करना है। बट जेडी बाकी ने, देखो मेरी टीम इज हेडेड बाय डॉक्टर तलवार हु इज डायरेक्टर ऑफ PGI, ही हैज़ विथ हिम डॉक्टर राज बहादुर हु इज आवर वाइस चांसलर ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज़ डॉक्टर राजकुमार who has retired as the head of the department of community medicine from PGI. ye char ne meri medical team, now they are every day meeting in the evening at 7:30, but they are going to meet with me and my officers either this evening or tomorrow morning, and we will take the advice from them, and jo suggest kar dene we will do that sir, and I can assure you ke main karunga badi सख्त तरीके नाल, बिकॉज इस सख्ती चलेगी, इस होर नहीं चलना, एंड मैं आस करदा कि सारे पंजाबी साडे नाल कोऑपरेट करन इहदे विच, क्योंकि साडे पंजाबियां दे जाना दा सवाल है, पन खतरा है लोगों नूं, एंड मैं नहीं चाहता कि होर नुकसान साडे पंजाबियां दा होवे। सर वेयर अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, इज इट 7 इट्स अ पोजिंग ऑफ सर कर्फ्यू सर? How many districts? I've just given you, I just told you, I think we are doing 7 districts from today. Jinnah da 100 to upar ho gaya, kinne ne? Nine districts. Jinnah ne 100 cases per day, jinnah da hon na gaya. ANB News, Jagtar. सर मेरा सवाल है कि तुसी बेअदबी कांड का जिक्र किया गा और कई पुलिस अफसर के नाम का भी खुलासा किया, उस दे विच की सबका मुख्यमंत्री का नाम? दैट इज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन टू प्रूव, आई कांट से एनीथिंग। जदों इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आर मिस्टर कंवर विजय प्रताप सिंह जी, विजय प्रताप इज डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन। अगर उन्होंने लगता है कि कोई सीनियर पुलिस ऑफ, मेरा ख्याल उसका बयान आया परसों कि आई विल बी डूइंग अ चलान अगेंस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड सीनियर पॉलिटिशियंस, हूँ कोड़े ने, आई डोंट इंटरफेयर इन दैट, दैट इज हिज जॉब, लेट हिम डू हिज जॉब, एंड इफ यू फील दैट एनी सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, वो आप ही चलान करूँगा उन्होंने खिलाफ। बलजीत बल्ली बाबू शाह, कैप्टन साहब दो सवाल है मेरे। सत श्रीकाल जी। एक पहला सवाल कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ ही अपने कब्जे की करी जा रही है, तो जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल फॉल आउट की होएगा स्टेट्स से, कि स्टेट्स सारिया डिपेंडेंट हो रही, निर्भर हो रही है, और सेंटर वाली झाकना पैंदा सारा, ये पॉलिटिकल फॉल आउट की होएगा? एक मेरा सवाल यह है। Well, I agree with you. This total centralization, मैं बिल्कुल खराब है, फैडरल स्ट्रक्चर का तो साडा बिल्कुल ही तुसी तजी उड़ा रहे हो। वेयर इज़ द फैडरल स्ट्रक्चर लैफ्ट? फैडरल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैड वन पोर्शन विच वॉज द पावर सेंटर द पावर से, और एक हिस्सा होंदा सीगा स्टेट द पावर अंडर सैक्शन 67 आई थिंक इट वॉज, एंड ओदे विच तुसी करके तो दिन पर दिन तुसी खिंची जा रहे हो अपने पावर, साढ़े कोल की छड़ता तुसी। ए मैनू हुण देखो एग्रीकल्चर इट इज़ अ स्टेट सबजेक्ट, इन्हों की अधिकार से कि बगैर स्टेटा पूछे तुम करे? अच्छा ए दिस आई वॉन्ट टू कम ऑन दिस इशू, एक चीज़ आई जाती है बार बार कि अमरिंदर सिंह उत्थे जाके इहदा हिस्सा बने, प्लीज़ मेक इट क्लीयर। सारे नूं मैं कहना चाहुंदा सानू जदों ये अनाउंस की सी प्राइम मिनिस्टर ने, एक कमेटी हेडेड बाय दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब उहदा मैंबर नहीं सी, और पंजाब दे रहे हैं 40% टू द फूड पूल। मैं चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर नू कि हाउ कैन यू टेक डिसीजनस जिथे एक स्टेट 40% दे रहे हो और तुसी उसनू इनकलूड नहीं कर रहे, उन्होंने फिर सानू इनकलूड करता। उदों ताईं अपनी पहली मीटिंग इन्हां दी हो चुकी सी, एंड दे हैड टेकन अ पॉलिसी डिसीजन। फिर सैकेंड मीटिंग हुई ऑन सम फाइनैंशियल मैटर,
जिथे बॉम्बे दे विच हुई सी एंड आई सेंट आवर फाइनेंस मिनिस्टर टू अटेंड दैट। तीसरी मीटिंग हुई सी कान सिंह पन्नू सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उन्होंने सिर्फ ये कहा गया गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन कन्वे टू योर गवर्नमेंट। वेयर डिड अमरिंदर सिंह गो इन टू दिस, वेयर डिड अमरिंदर सिंह बी पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस? ये तो सिर्फ मेरे कहते उन्होंने पंजाब नूं इनकलूड किया। कैप्टन साहब दूजा थोड़ा जा लाइटर थोड़ा जा कि तुम बड़ा अपने आप फिट रख रहे हो अजक तैयारी कर रहे हो, शरीर तो फिट लग रहा थोड़ा पहले नालों, तो सुने वेट भी घटा लिया तुम, वो सानू भी गुर दस दौ। 15 किलो 15 किलो है जी। 25 जुलाई तो शुरू किया है गाइडेंस ऑफ अ वेरी गुड डाइटिशियन फ्रॉम दिल्ली, और हूँ देख लो 7 महीने हो गए 15 किलो घट गया। पर तुम मेरे ते निगाह क्यों रख रहे हो, मैं तो 10 किलो और जाना है। बीबीसी बीबीसी चढ़दी कला टाइम्स देखो। डेली हुकूमत सर इदा के बिल्कुल हूँ तुम बजट जो पेश किया बिल्कुल ये गया लग रहा कि भी चुनावी बजट पेश किया गया, साल एक रह गया, साल कुछ महीने रह गए कि थोड़ी इलैक्शन दोबारा आ रही है विधानसभा की, अकाली दल का जोड़ा चलता पाया अलायंस जिमें कि भी BSP ना करना चाहते हैं, और जी आप किस इशू नू लैके जो अलग अलग पोलीटिक किसान अंदोलन चल रहा है, समीकरण चेंज हो रहा है, वो पूरी हालात देखते हुए कि दो मेजर इशू नू लैके तुसी इलैक्शन दे विच कुदोगे या जाओगे आके कि दो इशू ने जिन्हें तुसी लोगों नू तां कि तुसी जिहड़ी आम चर्चा है कि दोबारा सरकार ते रिपीट कर सकती है, वो किहड़े दो या तीन मेजर कारण है जिन्हां नू तुसी दावा करदे हो कि सरकार तुहाडी रिपीट करेगी? वैल देखो गल साडी परफॉर्मेंस किसी ने हिंदुस्तान अज तक अपनी मैनीफेस्टो कंप्लीट नहीं की। मैं तुहानू दस्सिया चंद्रबाबू नायडू इज द मैक्सिमम इज रीच 81% उन्हें रीच किया ऑफ मैनीफेस्टो, असी 85-86% तक पहुँच गए हैं, एंड असी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फाउंड नवा बजट का होने आया है, वी विल गो राइट अप टू द टॉप 100%। आई होप वी विल सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर पंजाब। सो परफॉर्मेंस से भी लोग परफॉर्मेंस देखते हैं ना, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, एंड आई थिंक वी आर हैडिंग थिंग्स वेल। देखो मैं एक गल तुहानू कहना चाहुंदा, मैं साडी बिगेस्ट अचीवमेंट जो हुई है साडे पंजाब च वो है असी पंजाबीयत नू बरकरार रखिया, असी कदे गड़बड़ नहीं होने दी, इत्थे कोई कम्यूनल टेंशन नहीं आन दी, और चाहे गुआंढी जो मर्जी करी जाए जुत्तियाँ उन्होंने ही पैणगियां, सानू नहीं कुछ होना, असी नहीं कुछ उन्होंने होने देना। इत्थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी है, असी बैठे हैं, साडे पिछे फौज बैठी है, इन्हां नू पता लग जूगा जिहड़े गड़बड़ करते हैं। सो दैट इज़ वॉट पीपल वॉन्ट, की चाहते हैं लोग, लोग चाहते हैं शांति, लोग चाहते हैं कि शांति के माहौल के विच उन्हां दा बिजनेस चले, वो आप चलन, उन्होंने घर बच्चे बुच्चे पलन, एंड दैट मेरा ख्याल सब तो वड्डी अचीवमेंट मेरी सरकार दी ए है कि असी पंजाबीयत नू बरकरार रखे। ब्राइट एक्सप्रेस पंजाब दैनिक जागरण सर, मैं इंद्रप्रीत जी दैनिक जागरण तो। सर मेरा एक सवाल तीनों खेती कानूनों नू लैके ही उहदे नाल ही रिलेटेड है। मेरा सवाल यह है कि जिहड़े तीन खेती कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैके आई है वो ये कह रहे कि यह रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर लई, क्योंकि पुराने कानूनों नाल तां किसानी संकट कोई ठीक नहीं होया, असीं ये नवें लैके आए हैं तो शायद ये ठीक हो जाए। पर मेरा सवाल यह है कि
अगर वो और क्योंकि पंजाब सरकार तो लगातार यदा विरोध ही कर रही है और उन्होंने संशोधित कानून भी पास अपने करते हैं ऑलरेडी पंजाब सरकार जिहड़ा फार्मर कमीशन है उन्हें रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर च लियाण वास्ते खेती नीति अपनी 2 साल पहला तुहानू देती है पर 2 सालों च हजे तक उस ते कुछ भी नहीं होया कि पार्टी और सरकार दे विच उन्हूं लैके कोई डिफरेंस है कि उन्हूं लागू नहीं किया जा रहा ना ही वो विधानसभा च हजे तक रखी गई है I don't think any farmers commission. I don't think that. There is no difference of opinion. कि पार्टी और साड़ी गवर्नमेंट नो कोई डिफरेंस ओपीनियन नहीं असी जो साड़ी किसानों वास्ते बेहतर है एंड विच इज़ विद इन आर रिसोर्सिज अज असी उन्हों करने को तैयार है 100% प्रायोरिटी साड़ी एग्रीकल्चर है एंड प्रायोरिटी असी एग्रीकल्चर रखांगे हर वेले सर हजे तक वो जिहड़ी कमीशन की रिपोर्ट है उसते 2 साल हो चुके हैं आए उसते ना तो विधानसभा हुई है ना ही सरकार ने उसते कोई एक्शन लिया रिपोर्ट सारी चीज दा हर चीज दे होंदियां ने रिपोर्ट्स कम ऑन एवरी इशू क्वेश्चन इज के पार्टी हैज टू सिट के केड़ा एलिमेंट उस रिपोर्ट दा सी ले सकदे हैं जिथे ताई फॉर इंस्टेंस यू हैव द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन किने पहला चक्या सी जदों मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सी पंजाब दा 1985 मैं चक्या सी I was the one who brought PepsiCola in. I was the one who started that tomato project jada Pepsi ho kar rahe se utthe Hoshiarpur de kol. Oh sab kuch it was part of a report of the agriculture progress. Hun jehdi farmer commission ne report bheji hai ohde chon chun ke jo saadi capacity hai aur jo assi karna chahunde we'll do it. Assi paani dekhna hai. We have to preserve water. Agar ohde report de vich koi hissa hai jehdi preservation of water hai assi oh karange. Whatever we can within our jehdi resources Dainik Savera Hello Hello CM sahab Hello CM sahab main Naresh Sharma Dainik Savera to sir mera ke jis tarah Punjab di jehdi fiscal jehdi position hai oh badi pichle 4 saal ch kafi rahi hai kyunki na thoda jehda apna रेवन्यू काफ़ी जनरेट नहीं हो सकिया इस बारी जी थोड़े मनप्रीत सिंह बादल है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना बजट पेश करने तो बाद एक गल की है कि भाई अगली बार साड़ी सरकार आती है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनागा की कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने तो हाथ खड़े कर गए नहीं नहीं पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बनागा नेक्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनागा प्लीज डोंट आर्ग्यू क्वेश्चन का जवाब दे मैं थोड़ा दस्ता कि जो जो असी फैसला करेंगे द गवर्नमेंट विल द पार्टी विल डिसाइड हु विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर चढ़दी कला थैंक यू सर दिस इज हरप्रीत सिंह दर कला टाइम टीवी सर जिवें बल्ली साहब ने कहा भी सेंट्रलाइज्ड पावर जड़ी है गवर्नमेंट अपने कोल बहुत लै रही है दूजे पासे पंजाब दे उत्ते इकोनॉमिकली रिस्ट्रेन बहुत है सर इन दिस सिचुएशन साड़ियाँ मंडियां भी खत्म हो रही हैं ते होर बड़ा कुछ खत्म हो रहा है दूजे पासे तुहाडे प्लान्स भी बड़े जबरदस्त ने अगे आने वाले टाइम दे विच ते हाउ इकोनॉमिकली पंजाब इज गोइंग टू सर्वाइव वट आर द पॉलिसीज वेयर वी कैन गैट द इनकम टू स्पेंड फाइनेंस कमीशन हैज हेल्प्ड अस आउट ग्रेटली दिस ईयर आवर रिसोर्स बेस इज मच बेटर and revenue is increasing industrial revenue will increase your liquor industry is increasing your sand everything put together har boond nal hi balti bhari jandi hai na so this is going up and up and up at the moment so he has estimated and calculated and I think jehda kuch assi proposal dittiyan ne it is based on realistic assumptions assi jehdi realistic assumptions kitiyan ne इन्ना साडा रिसोर्स बेस बढ़ना है वो बेसिस से असी फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ये फैसले किए दैनिक ट्रिब्यून
Good morning, sir. This is Rajmeet from Tribune. So I want you to take to one of the poor promises you made in 2013 regarding paying 2,500 rupees. I can't hear it. So this is Rajmeet. Is okay now? So you had made a poor promise giving rupees 2,500 to unemployed youths in Punjab. So we want on that issue now. So what is that? That is a commitment we have made. But you know, when we made that commitment, you know, the situation was different. Last 1 year we have been totally in the doldrums. Even now we are in the recovery process. I have already said one thing to you, that when I go back to the people at the end of this government, we will go back after having completed all our promises. Hindustan Times. Navneet Sharma from Hindustan Times. Anji. Sir, I have two small questions. One is that in the State Assembly, several MLAs, including some of your own party colleagues, they talked about EVMs and they wanted to return to ballot papers. What's your view on that? EVM. Certain MLAs wanted EVM to be scrapped and back to ballot papers. I don't know about certain MLAs. I certainly wanted it. I had got taken when this EGM, at that time Manohar Gill was the election commission. I fabricated one of these boxes, ballot boxes, and I took it to the election commission, and with a delayed chip and all in it. And I said, press whatever you want. So the members were all sitting there, and they pressed Congress, Akali Dal, whatever else they pressed over there. And I said, now, after 15 minutes, I said, please open it. It was the same. They said, dekho, yehi press kiya humne. Maine kaha, now wait another 15 minutes. When they then opened it, everything had gone to Congress. So my point of saying is that in this electronic age, when anything can be done, why are the electronic advanced countries not doing this? Why is Japan not having it? Why have they got paper ballots? Why has Sweden got paper ballots? Why has UK got paper ballots? Everyone has got paper ballots. Why don't you understand? Because they know that these things can be fudged. So therefore, why are we going ahead with this? We should go back to paper ballots. I'm totally in support of this. And I'm one of the first people to raise this, I think, whenever it came 20 years ago or something like that. And my second question is, in your manifesto, you talked about 50% reservation for local youth by investors. So are you going to implement that promise? Compulsory recruitment. Look, some states have done it. Haryana has done it. I think Himachal has done it, and something we haven't yet sat down to do. But whatever we have committed in our manifesto, we will certainly go into this and we will do something on that. So you are for local reservation? No, I am not for that. It is for my party to decide. I believe India is for everyone. That is my belief, that India is open to every Indian citizen. And if this is in our manifesto, I will certainly have a look at it. But I don't, you know, it's not in our manifesto. Amrinder Singh stands for India for Indians. Indians for India, let's put it that way. Huffington Post. India News Punjab. I'd like to just add a bit which I've just said to my, who is it? Navneet. One thing I just love to like to add. There is no state in India where Punjabis are not flourishing, where they're doing a great job. And if they are, you just name it and they're there. Even Andaman Islands, they're there. Everywhere they're there. And if we start cutting down and start regionalizing like this, we will suffer. And that doesn't mean, I believe generally that India should be, it's one country and we can go anywhere. And I'm against some things which have been done here. For instance, no Punjabi or anybody else can buy land in Himachal Pradesh. Why? We have every right. Nobody's stopping Himachalis to come and buy in Punjab.
Why are you stopping us there? Kashmir, they are not allowing us to go. Rajasthan doesn't allow us to go. This is, you are regionalizing too much. This is not a good thing. कैप्टन साहब मेरा सवाल खेती कानूनों को लेकर है पंजाब विधानसभा से जोड़े तीन कानूनों नगेट करने वास्ते बिल पास किए गए अंडर कंसीडरेशन है हाले भी पंजाब गवर्नमेंट का स्टैप की है जी अगला क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को लेकर Now this is another point. Are we a democracy or not? If we are a democracy and a system which is working, a constitution which is working, which gives certain powers to the states and certain powers to centers, aur Punjab faisla karda hai, saadi Vidhan Sabha unanimously faisla kardi hai ki assi oh kanoon radd karde hain aur ek kanoon jehde hain assi nave assi banaune hain. और वो सारिया ने जाके गवर्नर साहब नू ए हैंड ओवर किए ने जो बिल पास किया सीगा यूनैनिमसली गवर्नर साहब हैज़ नो बिजनेस टू सिट ऑन दैट फाइल उन्होंने ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रपति जी नू फॉरवर्ड करन अंडर सैक्शन 254(2) इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेंड इट टू द प्रेजिडेंट एंड द प्रेजिडेंट अंडर 254(2) विल डिसाइड वेदर ही रिजेक्ट्स इट और नॉट इफ ही रिजेक्ट्स इट आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट If he passes it, very good. And it's been passed before. जदों गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल बिल का कोई अपोज किया सीगा उदों मुखर्जी प्रणब मुखर्जी साढ़े प्राइम प्रेजिडेंट से और उन्होंने अपना बिल पास करके अंडर 254(2) जेटली ने उन्होंने दिया कि तुसी ये 254(2) करो वो रस्ता फिर आया Prime, the President gave consent to the Gujarat bill against his own bill in Parliament. So, mera matlab, it has been used, it's a tried and tested, it's a constitutional matter, and constitution they should have done accordingly. Besides that, I want to also say, on these agriculture bills, they say it's a constitutional matter, whom constitution ne pass kiti. Constitution has been changed 100-something times. Why can't you change it once more? Bring a new discussion with the farmers. Kisanan naal baitho, unhan naal galbaat karo, aur nama bill leke aao. Why are you sitting on prestige, ego? Ego and prestige, that is all. Kanoon kharaab kari jaane hote hain. I mean, aab hawa subah ali. India Today. Jagbani. कैप्टन साहब रमनजीत सिंह जगबणी तो हाँ जी जाखड़ साहब थोड़े नाल बैठने जी और 2000 इलैक्शन तो पहला कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेजर मूवमेंट चलाई सी पावर प्लांट्स के इशू नूं लैके उन्होंने एग्रीमेंट्स नूं लैके उस इशू ते सरकार 4 साल हो गए ने कुछ अगे वध नहीं पाई ये बारे कुछ 1 साल रह गया कुछ कर रहे हो जी परचेस अग्रीमेंट्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेदर दीज आर गोइंग टू बी फिनिश्ड और नॉट Power purchase agreements are all legal documents. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਅਸ ਫਿਟ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰਿੰਗ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਨ ਮੋਰ ਦੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਔਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਦੇ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਅਸ ਦ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੈਡ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਬਾਇਟ ਫੋਰ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 crore ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ 10,000 crore ਟੂ ਬਾਏ ਅ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਫ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਮ ਆਫ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫੋਰ ਅ ਬੈਟਲ ਇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ 30,000 to 40,000 crore ਫੋਰ ਦੀ 4 units ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ KYC ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੋਰ ਦੈਟ
आए या मैं कह देता है कि असी जिथे ताई डायरेक्ट पेमेंट है बिल्कुल मैं वो बरखिलाफ है। एक रिश्ता है एक किसानी का और आड़तियाँ का और वो रिश्ता कायम होना चाहिए। आड़ती औखी घड़ी एक किसानों की मदद चाहते ने एंड मदद किसान नूं तुसीं पुछ लो भी खुश होगा इस तरीके नाल क्योंकि किन्ने किसान ने जिहड़े अपनी जमीन बाहुंदे ने लोगों की जमीन ठेके ते लिती हुई ने उन्होंने हाउ डू दे डील देन कैसे करेंगे तुसीं जब तुसीं उत्थों डायरैक्ट फार्मर्स नूं दोगे तुसीं दोगे जिहदी जमीन खड़ी है उत्थे जिहदे नाम है जमीन और दूजे पासे वो काश्तकारी कर रहा कोई होर बेचारा गरीब उन्हें तो पैसे आने नहीं तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लीकेटेड मैसेज। मेरा ख्याल दिल्ली नूं तां कोई समझ नहीं कि हाउ द एग्रीकल्चर सिस्टम वर्क अनफॉर्चुनेट गल है मैं ये बिल्कुल हक च नहीं है। आई थिंक द आड़तिया सिस्टम इज़ अ वेरी ट्राइड सिस्टम फॉर नियरली 100 ईयर 100 साल हो गए ने जब तो आड़तिया चल रहे हैं इतने एंड वो सिस्टम चल रहा क्यों तुम खत्म करना चाहते हो। थैंक यू। NDTV न्यूज 18 सत श्रीकाल सर की हाल सत श्रीकाल जी सर मेरा एक सवाल है कि तीन खेती लेके 22 जनवरी नूं केंद्र अते किसानां दे विचाले आखिरी गलबात हुई सी किसान अड़े हुए ने कि कानून रद्द करवा के वापस आवांगे सरकार कह रही कानून रद्द नहीं होणगे विचला कोई राह नज़र आ रहा एक सवाल मेरा। देखो मैनू तो कोई राह नहीं नज़र आ रहा पंजाब इज़ वेरी क्लीयर असीं ये तीनों नूं रद्द कर बैठे हैं असैम्बली हैज़ यूनैनिमसली देखो कला कला MLA अपने बंदियां नूं रिप्रजेंट करदे अपने हलकियां नूं एंड 100% पंजाब इहदे विच रिप्रजेंट होया विधानसभा च और मैनू कोई नहीं आंदा। मैं सिर्फ इक्को मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट नूं कि तुसीं इहनां नूं रद्द करो किसानां नाल बैठो नवें कानून बना के पास करो। दिस इज़ जस्ट अ प्रेस्टीज इशू नथिंग एल्स। एक बार तुसीं नवें कानून बना दोगे पास हो जाएंगे सारे खुश हो जाएंगे इहदे च पर आ तुसीं बैठे हो कि असी पास किया हूँ असी पिछे नहीं हटना दैट इज़ ईगो दैट इज़ प्रेस्टीज इहदा क्या फायदा होएगा बेचारे उत्थे गरीब बैठे ने बुजुर्ग बैठे ने बीबियां बैठे ने बच्चे बैठे ने किन्ने मरवाने ने तुसीं 112 तो मेरे पंजाब दे मर गए ने सर 100 कोविड नूं लैके सख्ती आने वाले दिनों नज़र आएगी लेकिन सियासी रैलियां जिहड़ियां होणगियां सियासी रैलियां ते भी कोई कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि सब तो ज़्यादा इकट्ठ हुंदा और सुखबीर बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। नो आई एम सॉरी सुखबीर नूं होया मैं कल उन्होंने टैलीफोन परसों राती टैलीफोन किया जब मैंने खबर आई थी कि कैन वी हैल्प इन द मैडिकल थिंग कुछ कोई कर सकते हैं असं कुछ ये तो साड़ी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी बनती है कि कोई बीमार होए उन्होंने हैल्प करो एंड ही वो सैड नहीं मैं सम हॉस्पिटल इन फोर्टिस मैदानता उस जब मैं गल की और ही वॉज सिटिंग इन फोर्टिस उतों फिर चले गए मेरा ख्याल मैदानता आई होप ही रिकवरस एंड आई होप साढ़े होर साढ़े तो बहुत बंदे ने माई मिनिस्टर्स आर डाउन माई फाइनेंस मिनिस्टर इज डाउन माई सुख सरकारिया जी इज़ डाउन माई MLAs आर डाउन मेरे ऑफिसर्स आर डाउन मेरे अपने तेजवीर वॉज डाउन मेरा हूँ MP Singh इज डाउन एवरी वन इज डाउन दिस इज गोइंग स्प्रेडिंग फास्ट रैलियाँ तो कंट्रोल मैं थोड़ा दसिया है जो बैद गैदरिंग हो ना हो मैं थोड़ा दसी है कि साड़ी हूँ अंडरस्टैंडिंग वी विल बी डूइंग विद आर मेडिकल टीम चाहे अज है आई डोंट नो व्हेन आर वी कीपिंग इट गुड कीरत इज इट टुडे और टुमारो वी हैविंग इट विद देम मेडिकल टीम विल गिव अस द एडवाइस एज टू व्हाट शुड वी डू वी विल फॉलो इट टू द की। थैंक यू सर। न्यूज 24 सर मेरे दो सवाल है एक तो मैं जाखड़ साहब ने भी पहला किया सीगा कि 2022 दे विच भी कैप्टन साहब ही उहदी पार्टी की नुमाइंदगी करनगे ते थोड़ी लीडरशिप दे विच ही इलैक्शन जिहड़ा लड़िया जाऊगा ते नैक्सट चेहरा भी थोड़ा ही होगा मुख्यमंत्री दे तौर ते पंजाब चाहूगा जिहड़ा साडी पार्टी चाहूगी आ पार्टी विल डिसाइड दिस इशू। नहीं पार्टी प्रधान होना नहीं प्रेस विच ही कहा सीगा थोड़ा थोड़ी निजी राय की हैगी है। देखो गल इह है साडी फीलिंग्स जो मर्जी होण टू माई प्रेजिडेंट के जे मेरे ते भरोसा है जिन्ना मैनू इन्हां ते भरोसा है इट्स द सेम थिंग बट द डिसीजन इज फाइनली गोइंग टू बी द कांग्रेस प्रेजिडेंट डिसीजन। दूसरा CM पिछले टाइम के बीच भी माइनिंग नू लैके काफ़ी हो हल्ला भी पैंदा रहा ते ये कहा जा रहा सीगा कि जिहड़ा लोकां नू रेता ते बजरी सस्ती मिलेगी अपने मकान बनाउण वास्ते लेकिन
रेता ते बजरी हैगी सस्ती नहीं मिल रही, बल्कि लग्या कि खजाने दे विच भी पैसा नहीं आ रहा हैगा। देखो पिछले अकाली जदों करके गए ने वो 35 करोड़ सी, इस साल साढ़ा 350 करोड़ आया। नाउ आई थिंक दैट इज 1000% इंप्रूवमेंट। पर सर खजाने च तां आया नहीं जी हैगा। हाँ खजाने दे विच नहीं जी आया हैगा। तो होर कित्थे गया फिर, और तो खजाने च ही गया। यही तो यही सवाल पैदा हो रहा भी कितने चले गया। 350 करोड़ इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द बजट, हाउ कैन यू से इट्स नॉट देयर। जो फाइनेंशियल जेडे साडे डॉक्यूमेंट्स ने उत्ते लिखा हुआ 350। एक सर जेडी बिजली हैगी है, बिजली सस्ती देने की कोई प्रोविजन हैगी है जी आने वाले टाइम दे विच? बिजली का बारे दस दो सर जरा। बिजली का की बिजली सस्ती क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है जी। अपना आपा सब कुछ सारे अगर मेरे बस की गल होंगी तो मेरे हाथ च हों और मेरे को रिसोर्स होंगे, ये पंजाब के पैसे ने, पंजाब के लोगों के पैसे ने, मैं कर देना। आई हैव टू बैलेंस, नॉट मी बट द फाइनेंस मिनिस्टर हैव टू बैलेंस बुक्स। उन्हें देखना पड़ेगा क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, वो ता ही कलैक्टिव फैसला साडा हुंदा है। आफ्टर द FM गिव्स मी डिटेल्स, फिर असी कैबिनेट के विच फैसला करते हैं की कर सकते हैं। जो असी कर सकते हैं वॉट इज़ विद इन आर साडी रिसोर्सिज वी विल डू फॉर पंजाब। लेकिन जेडे को अगर मेरे को कोई पैसा है नहीं, नथिंग आई कैन डू। PTI INS प्लीज माइक लेने आप जरा। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज विशाल गुलाटी, आई एम विद INS। माय क्वेश्चन इज at present which is your main political rival for the Congress, is it Aam Aadmi Party or the Akalis? Neither, we have no competition. Punjab Kesari. ji main Punjab Kesari to Ashwini bol reha ji. mukhyamantri sahab main sawal e puchna ji ki tusi Punjab Vidhan Sabha de vich suchi phad ke lehrai si कुछ कागज सिगे तो तुसी ये दावा किया सीगा कि पंजाब दे जितने भी काले कारनामे हैं वो इस लिस्ट विच दर्ज ने, तो मैं पूछना चाहना जी क्या कदे वो सूची पब्लिक डोमेन जी आएगी? असेंबली में आपने सूची ले रही थी भी काले कारनामे सारे लिस्टेड है, वो सूची आप पब्लिक करांगे केड़ी कदो की विधानसभा दे विच कुछ कागजां दी सूची ले रही सी जी, तो क्या सी जी कि सारे दे काले कारनामे मेरे कोल ने? तो साढ़े को है, मैंने पता नहीं असेंबली की क्या सी या दिखाए से कागज, पर सारे बदमाशियां ने लिस्ट साढ़े को सब कुछ है। मैं यही पूछ रहे जी कि क्या वो पब्लिक डोमेन च आएंगे कभी? समय होगा असि कर दें। एक सवाल यह है जी कि तुसी अपने मैनिफेस्टो दे विच ड्रग माफिया बहुत लोग हैं रह जाएगा सर, इसे नाल कंसर्न है सर, ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, लिकर माफिया, लैंड माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, लाटरी माफिया, सब दे सवाए दा ऐलान करया सी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहना जी पंजाब च हुण तक कितने माफिया दा डी एंड हो चुक्या ते कितने माफिया बचे हैं? मैं ठीक कीती है कह के असी किथे किथे असी पहुंच गए हैं। वी हैव ब्रोकन ऑल दीज माफियाज, लिकर माफिया दा असी पिट तोड़ती, सैंड माफिया दी पिट तोड़ती, यू कैन सी 1000% साडा इनक्रीज होया। वी आर गोइंग ग्रैजुअली ग्रैजुअली ग्रैजुअली, हुण लिकर माफिया दे सारे केस लगे ने, एवरी वन इज इट आईदर अरेस्टेड या अरेस्ट के सामने है, केड़ी चीज़ रह गई हुण? माफिया का ना तो तुसी किसी चीज़ नूं भी दे दो, बट फैक्ट ट्रांसपोर्ट माफिया ऑलसो, वी हैव ऑलसो टेकन अ ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज अबाउट टू कम आउट, सब कुछ आ गई है, कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है। असी 7000 और करीब असी दे रहे हैं फॉर यंग पीपल, दीज न्यू मिनी बसेज वगैरह असी सब कुछ दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल दिस थिंग इज बीन टेकन ग्रेजुअली, तुसी समझते हो कि एक दिन ही आके मैं सब कुछ करता, इज नॉट पॉसिबल। You have to run a government. Spokesman. We have कर सकते हैं और होर करते रहेंगे। Spokesman. सत श्री अकाल CM साहब। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है थोड़ा? ठीक था। मेरा हाल ठीक है, पर मीडिया नू साल बाद मिलते हो, एक कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा, साल बाद मिलते हो थोड़ा जहा घटा लो। मेरा क्वेश्चन जड़ा सर ये है
कि आम आदमी पार्टी दे चार MLA दोने पार्टी नमी बना के इलेक्शन लोकसभा दी लड़ी हार गए, दो थोड़ी पार्टी दे विच शामिल हो गए थोड़ी रहायश ते जाके, उन्हां चारां दा डिसक्वालीफिकेशन दा केस स्पीकर साहब दे कोल दो ढाई साल तो पिया, कि थोड़े इशारे दे उत्ते उन्हां नूं डिसक्वालीफाई नहीं किया जा रहा, क्योंकि जेड़ी एक बाई इलैक्शन फूलका साहब दी होई वो कांग्रेस बुरी तरह हारी अकाली दल तो। मेरे सवाल का जवाब ये दियो केड़ा केड़ा पारे वेल विच वन दाखा दैट इज दैट वन वन और जेड़े 70 80 जीते हैं उनका की है वो 70 80 पहला जीत चुके जी क्वेश्चन पूछ लें आप क्वेश्चन मेरा ये आ कि तुसी वो बाई इलेक्शन चारा नू डिसक्वालीफाई करके बाई इलेक्शन क्यों नहीं होने देंगे? देखो जी स्पीकर दा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट करने ने नहीं करने कैसे करना है उन्होंने तुसी जाके सवाल करो, डोंट आस्क मी दिस, इट्स नॉट माय जॉब। छोटा जा दूसरा स्पीकर ऑफ असेंबली, छोटा जा दूसरा सवाल मैनू जरा पूछना है, पूछ लो। श्रोमणी कमेटी चोणां दा वादा तुसी असेंबली दे विच जदों बेअदबी दे मामले चलदे सी उत्थे कराण दा कीता सी। 2011 दे विच श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां होईआं, 5 साल बाद 2016 दे विच उहनां दी टर्म खत्म हो गई, 16 तों बाद हुण 21 आ गया, ये दूसरी टर्म भी खत्म हो गई। जिस वेले जस्टिस दर्शन सिंह नूं लगाया उहदा ऑफिस 3 महीने तक तय नहीं कीता पंजाब गवर्नमेंट ने, वह भी छड़ गए। वो तो बाद हुण सारों साहब आए आ, उन्होंने 4 महीने हो गए आ नोटिफिकेशन होई नूं, उन्हां दा दफ्तर भी अजे तक सैट नहीं कीता, वो कदों तुसी श्रोमणी बिल्कुल सैट हो गया। मेरे नाल उन्हां दी गल कुछ दिन पहला, ही वांट ऑफिस मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऑफिस इज सैट। बट लैट मी टैल यू नाउ, असी जो मर्जी कह लिए SGPC इज एन ऑल इन, इट्स अ पार्लियामेंट्री एक्ट जी, ये साढ़े वास्ते की गल नहीं है जी, इट हैज़ टू बी पार्लियामेंट विच डिसाइड्स। हुण ये अकाली दल एंड BJP एक बार कट्ठे से, उन्होंने अकाली दल नहीं चाहता सी कि इलेक्शन करवाने तो BJP उन्हों का साथ दिता नहीं सर, उन्होंने तो नोटिफिकेशन सेंटर गवर्नमेंट ने कर दी। सुनता लो हूँ लड़ पे ने हूँ वो करा देंगे, हूँ लड़ पे ने करा दे। नहीं सर नहीं, तुसी यू आर मिसगाइडेड के कानून जो कहता हैगा जस्टिस सारों नू सारों हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय अस, बाय होम मिनिस्ट्री। दे हैव अपॉइंटेड हिम एज द गुरुद्वारा कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, बट द डिसीजन कदों इलेक्शन करवानी है कदों नहीं करवानी वो दिल्ली दे है, मेरा सर, नहीं है सर। वो कहते ने थोड़े दफ्तर नू ताला लग्या होया, उन्हां दा दफ्तर नहीं बनया, वो सारो साहब तो मेरे नाल परसों बैठ के गए, मतलब सब CM साहब ने जवाब दे दिया, परसों बैठ के मेरे नाल गए ने, तुसी सारो साहब नू क्यों नहीं पुछदे? मैं सर वो कहंदे मेरा दफ्तर नहीं बन रहा, मैं किथे जावां? CM साहब ने बोल दिया कि दफ्तर मिल गया, बात हो गई है, गलत बात है, तुसी पुछो सारो साहब नू, पुछ लो सारो साहब मैनू। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इट्स 1:10, वील जस्ट टेक 2 मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस प्लीज। हेलो सर, दिस इज विभोर मोहन। हाँ जी हाँ जी। सर आई वांट टू आस्क यू दैट इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग द कोविड सिचुएशन, व्हाट इज योर फीडबैक सर? आर देयर एनी फैक्टर्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू पंजाब व्हाई द स्टेट इज सडनली यू नो स्लिपिंग? Why is what? Sir, are there any... Is in Punjab any particular reason? It's everywhere. 3 states which the Prime Minister announced yesterday, Maharashtra was the worst, Karnataka is number 2, we were number 3. I think it's not a question of... I think people just don't bother. Ab tusi bahar ja ke dekho, kisi shehar chale jao, kisi tusi sadak pe chale jao, koi mask nahi paunda. Nobody cares. And I think this has to be enforced strictly. And if we have to enhance the... पेनल्टी वी विल डू एनहांस द पेनल्टी, जो भी सानू सजेशन लेनी पवे असी वो लवांगे, एक दो दिन च, एक अद्धे दिन च आफ्टर आ मीटिंग विद द टेक्निकल मेडिकल टीम। बट सानू ये करना गोइंग अप बिकॉज आई थिंक वी डोंट बॉदर। एंड मैं तो ही कह रहा है
कि किसी नूं छिक भी आवे प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर एंड चैक करो। मैं असी 30,000 जगह 30,000 केस कर रहे हैं डेली टैसटिंग। जस्ट गो टू एनी अवर टैसटिंग सेंटर्स एंड जस्ट गैट योर सेल्फ टैसटिड। की मुश्किल है इहदे 'च? एंड ये अगर आप पहला स्टेज पकड़ लिए दैन इट इज़ 100% क्योरेबल। जदों आप थर्ड स्टेज के टर्शरी स्टेज के पहुँच रहे इट्स नॉट क्योरेबल। दैन यू हैव टू गो ऑन टू ऑक्सीजन एंड यू हैव टू गो ऑन टू वेंटिलेटर्स एंड ऑल दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। राइट। एंड सर इफ आई कुड आस्क यू पोलिटिकल क्वेश्चन, योर डिसीजन टू रोप इन शोड वंस अगेन द ऑपोजिशन पार्टीज अ बिट एंशियस। सर वुड यू सर माय डिसीजन टू देखो लुक एवरी इन अ डेमोक्रेसी इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अदरवाइज डेमोक्रेसी एवरी लीडर एवरी पार्टी हैज अ टीम व्हिच हैंडल्स दिस। नाउ टेक मिस्टर बाइडन और टेक मिस्टर जॉनसन और टेक मिसेस मर्केल और टेक मिस्टर मैक्रोन जिन्ना दे है दे ऑल हैव स्ट्रेटजी टीम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टीम स्ट्रेटजिस्ट। Now here is a political strategist who has been very popular, very successful with us. I asked him and he's happy to come back to Punjab. He's at the moment handling Pondicherry, he's handling down DMK. Incidentally, Congress party is allied with them both in DMK and also in Pondicherry. And he's also handling Bengal and all. That's his job. And I think he does a very good job. And we are all very happy with him. And I'm happy to say that he's in Chandigarh today. Times now. Well, sir, this is Gurpreet Sheena from Times. So you had already shown your concern for the national security. So you have already shown your concern with the national security. Could you please elaborate that how serious it is and what step we are taking? Because you have already given your reply to the central government. What steps are we taking about this threat to national security? Look, this threat to national security problem, which is a national problem. We are only a border state. As far as the national security advisor and the national security is handled by the Ministry of Defense and our chief of defense staff and all, I'm sure they are on the job. I am interested in peace in Punjab, and I do not want any cells to be created here which are armed by Pakistan to create a rumpus here in Punjab. And we have got it. Now, here is what some figures maybe you would be interested to know. We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Now you can imagine how many terrorists are coming in either from Pakistan or being patronized by Pakistan. Rifles which we have got, AK-47, MP-9, MP-5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols, 1,807. Hand grenades, 38. Drones which we have picked up, 5. Drones, these are which we've picked, actually they've got entangled in trees and picked. But all this delivery has come via drones. What they do, they come at about 100 feet and they let down a package with a cable, and then once it's dropped on the ground, automatically the cable is rewound and it goes back to Pakistan. So this is what is happening. Then there are satellite phones which have been picked up. There are walkie-talkie sets to talk across with these their chaps across, and RDX and other explosives about a kilo. Now this is not a small figure for a little state like Punjab, and this is what got me worried. That is why when I went to, when the farmer struggle had started and I had gone to meet the Home Minister, I went for this purpose. Okay, what are you doing when these drones are coming across the river? Why can't the BSF shoot them down? Find out some sort of system, because the Air Force says the drone is too small, their radar can't pick it up. The BSF does not have the right equipment. Otherwise, if you can get them, I said, somewhere in the world, somebody must be having them. Get them, plant them on our borders and plant them the Kashmir borders. And when these drones come across, the small radar should pick them up and shoot them down. And that is the only way of dealing with this. That was my discussion. And then the press said,
फैक्ट इज दिस दैट इज वरिंग मी आई हैव बीन थ्रू दिस एंड मेरा ख्याल तुसी सारे जेडे सीनियर जर्नलिस्ट उरे बैठे और कवर जी बैठे ने इन्हों पता है कि पंजाब दे विच दी गुजरे आई डोंट वॉन्ट पंजाब टू बिकम लाइक दैट आई विल नॉट नैवर अलाउ टू बिकम लाइक दैट जो पहला इतने रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे खून डोलिया 35,000 बंद का डू यू थिंक वी वॉन्ट दैट टू हैपन अगेन नैवर एज लॉन्ग एज आई एम देयर इट विल नैवर हैपन लास्ट क्वेश्चन जी And incidentally, that's not mentioned in this list. Hello, hello. But the number of rounds of ammunition we have picked up are 11,000. 11,000 rounds of ammunition. It's not in this list, but this is my information. Sir, so first of all, congratulations. 4 saal tusi complete kite hai. Kal sir, ek badi todi picture aayi si Navjot Sidhu na badi bonhomi dekhan nu mili aur बड़ी स्पेकुलेशन है कि ही हैज डिमांडेड टू बी डिप्टी सीएम और जा पीसीसी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं की सच्चाई है सर ये पिछे दैट इज अप टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट नॉट माय डिसीजन नॉट सुनील जी डिसीजन इट इज फॉर द सीपी टू डिसाइड व्हाटएवर दे विश टू व्हाट हिम टू गो इफ ही वांट्स माय जॉब ही कैन हैव इट और सर जेड़ा तुसी ऑलिव ब्रांच जेड़ा एक्सटेंड कीता है कि वो जेड़े बाकी डिसग्रंटेड है कांग्रेस दे मेंबर्स उन्होंने भी दोगे जे प्रताप सिंह या अपना शमशेर सिंह दूलो होगे दे हैव बीन ट्राइंग टू मीट यू ऑफन लुक आई एम देयर फॉर अ टोटल यूनिटी इन द पार्टी एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू एंबिशंस एंबिशंस तो सारी दुनिया नु हुंदे ने सारे इंसान नु हुंदे ने When it comes to some party which has given you birth, which has given you an opportunity, which has been looking after you since the time you were there, it is duty bhi bandi hai ke aukhi kadi de vich tusi apne ambitions nu passe chhad ke party naal khado. And that is everything, whether it is anybody. I mean, take Mr. Bajwa, for instance, tusi Mr. Bajwa de da naam leta hai. Oh, the Youth Congress to aaye ne. He has been with the Congress party jab to jamme ne. So now we would be very happy to have him as part of the team. It's koi ehi di gall nahi hai. Sare khush honge ki agar Congress party totally unite ho gayi. Sir, since now aur kise female ne sawal nahi puchha. So meri colleague hai, she'll ask one question. Haan beta, dasso. Sir, 2017 vich kai ajehe कच्चे मुलाजम सीगे जिन्हां नूं तुसीं कहा सी पक्के कर दांगे और लगातार 4 साल अलग अलग थावां ते प्रोटेस्ट करदे हुए भी नजर आए 4 साल च उन्हां लई की कीता किन्नियां नूं हुण तक रेगुलर कीता आई थिंक आई डोंट हैव द फिगर्स विद मी बट आई आर देयर इन दिस बुक हाउ मेनी रेगुलराइजेशंस टीचर्स रेगुलराइजेशंस अदर रेगुलराइजेशंस किताब दे विच है प्लीज वो किताब कढ़ लो अपनी सारे कोल है ओदे विच फिगर्स है आई कांट ऑफ हैंड गिव यू दिस फिगर ये थोड़े थोड़ी किताब है थोड़े को बहुत ज्यादा हो गए ऑलरेडी 150 पूछन दे सर इन्हां नूं पूछने चलो चलो सरकार अपन 4 साल दा रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है की कारण है कि विकास दे मुद्दे ते पंजाब दे परेशान किस टाइम ते लेके आए जा रहे जी क्या I don't understand. He's already answered the question. Sir, Vikas, 4 saal tusi Vikas leke aaye kitta hai. Tusi Punjab vich Vikas de mudde te jaan di thaan te last time te Prashant Kishore nu Punjab ch leke aaye. Oda ki karan hai? Main hun keha hun hi Prashant Kishore ji bare ke political strategies exist with every government in every country. Aapke pucha jaye I cannot give a chance to everybody. बहुत लोग हैं यार। एक चीज मैं हूँ थोड़ा दस देना लास्ट आई सम अप बाय सेइंग दिस मच कि मेरा वायदा है पंजाब नाल साढ़े कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया सी जदों चोन आई सी पिछली जिहदे विच उन्होंने अपने सानू साढ़े ते भरोसा प्रगट किया सी तां ही असीं सरकार च बैठे हैं और मेरा वायदा है और जो वायदे उदों कीते सिरे चढ़ावांगे कली कली चीज़ नू इस इलेक्शन तो पहला सर,
जिस तरह से आने वाले समय में पॉलिटिकल रैलीज आ रही हैं, 21 तारीख को आम आदमी पार्टी भी एक रैली करने जा रही है, उसके बाद होला मोहल्ला आ रहा है, आपको क्या लगता है कि कोविड से कैसे कोविड को मारा जा सकता है पंजाब के अंदर? और बार बार आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों को लेकर जवाब सीएम साहब तीन बार दे चुके हैं। सर मेरा देखिए सुन लीजिए, मैं डॉक्टर तो आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, माय मेडिकल टीम इज देयर हेडेड बाय डॉक्टर तलवार, वो और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं एक साथ काम कर रहे हैं। कल को हम मिलेंगे, वो हमें बताएंगे कि व्हाट शुड बी डन, आई विल डू इट। अंत विच मैं आप सब नु खाने ली सद्दा देती हां, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पूछ ले जल्दी।